Hey, hi everyone, this is Mayank Kothari. In this video, we are going to discuss about the arbitrage transaction. We are going to find out ki arbitrager kis tarah se transactions ko ghuma fira ke ek profit hasil kar sakta hai bina kisi risk ke. Matlab, it's damn sure ki usko profit hoga hi hoga. Aisi situation pata lagana is called as arbitraging. Usme profit hasil karna is the arbitrage gain. Have a look on this question. Following are the spot exchange rates quoted at three different forex market. USD INR 48.13 Mumbai, GBP INR 77.52 in London, GBP USD 1.6231 in New York. The arbitrager has 1 crore USD. Arbitrager ke paas mein 1 crore US dollar pade hue. To sabse pehli cheez wo jo karega wo hai 1 crore US dollar kahin bechega. है ना, मेरे पास ऑलरेडी है, अब मैं खरीदूंगा थोड़ी और मैं उसको बेचूंगा. ठीक है, अज्यूमिंग दैट देर आर नो ट्रांजेक्शन कॉस्ट, एक्सप्लेन वेदर देर इज एनी आर्बिट्राज गेन पॉसिबल फ्रॉम द कोटेड स्पॉट एक्सचेंज रेट. पहली चीज मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, आईएसओ कोड के हिसाब से, करेंसी के लिए जो आईएसओ कोड्स होते हैं उसके हिसाब से जब भी कभी कोटेशन में आपको ऐसे 6 अल्फाबेट्स का कोटेशन दिया होता है, जैसे कि ये वाला हो गया USD INR, भली बीच में स्लैश दिया उसको इग्नोर करो, इसका मतलब होता है कि आपकी बेस करेंसी ये है और प्राइस करेंसी ये है. इसका मतलब कोटेशन को पढ़ना कैसे है, INR पर यूएसडी. सो ये 48.30 क्या हुआ, INR हुआ, कितने, एक यूएसडी के लिए. 77.52 INR हुआ एक जीबीपी के लिए, 1.6231 यूएसडी हुआ एक जीबीपी के लिए. सो इधर वाली जो तीन करेंसी, तीन अल्फाबेट्स है, दैट इज बेस करेंसी, अंडरलाइंग असेट बोलते हैं हम उसको. ठीक है, ये सब मिटाता हूँ वापस. तो ये चीज हमेशा याद रखना, अगर 6 डिजिट्स में से दिया हुआ तो आईएसओ कोड्स के हिसाब से उसको कैसे पढ़ते हैं. आप ऐसे मत पढ़ना सर यूएसडी पर INR दिया हुआ है, सो 48.30 यूएसडी होगा एक INR के लिए, वो सब गलत है. आपको पता होना चाहिए प्रैक्टिकली कैसे कोट होता है. हाँ, सो क्वेश्चन ये पूछता है कि क्या आर्बिट्रेजिंग पॉसिबल है, क्या पॉसिबल है कि आर्बिट्रेजर 1 करोड़ यूएस डॉलर जो उसके पास पड़े हुए हैं वो उससे गेन मतलब हासिल कर सकता है. सो आर्बिट्रेजर खुद का कुछ पैसा नहीं लगाएगा, ऐसा भी माना जाता है कई बार, जैसे डेरिवेटिव्स वगैरह चैप्टर में हम देखते हैं. यहाँ पे अगर 1 करोड़ यूएस डॉलर उसके पास में है तो आपको इस 1 करोड़ यूएस डॉलर को मार्केट में बेचो, उससे कुछ और लो, उससे कुछ और लो, उससे कुछ और लो, और वापस अल्टीमेटली पोजीशन आपकी ऐसी होनी चाहिए कि 1 करोड़ यूएस डॉलर आपके पास वापस आ जाने चाहिए जो स्टार्टिंग में पोजीशन थी. अब देखो कैसे पॉसिबल है. मैं क्या करूँगा, एक चीज़ याद रखना, कोई भी एक रेट जिसमें यूएसडी हो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे उसने यूएसडी दिया है, इसलिए कोई भी एक रेट जिसमें यूएसडी हो उसको कांस्टेंट रखो. तो या तो मैं इसको कांस्टेंट रखता हूँ या तो मैं इसको कांस्टेंट रखता हूँ, आपको जो ठीक लगे वैसे करना. मैं अपने मन से इसको कांस्टेंट रखता हूँ, पहले वाले को, यानी कि मेरा मार्केट में मुंबई, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, मुंबई में अगर मैं 1 US डॉलर खरीदने जाऊँ तो 48.30 रुपीज देने पड़ेंगे, क्योंकि एक ही आपको रेट दिया हुआ है, बिड आस्क वाला कोई सिस्टम है नहीं यहाँ पे. इसका मतलब मैं 1 डॉलर बेचने जाऊँ तो 48.30, खरीदने जाऊँ तो 48.30. वो एक 48.30 पे मैं खरीद भी सकता हूँ, बेच भी सकता हूँ, क्या, 1 डॉलर. ठीक है, ये क्लियर आपको. अब क्या करना है आपको, INR और USD का क्रॉस रेट निकालना है इन दो को यूज करके. पता करो कि इन दो मार्केट से अगर मैंने डॉलर खरीदा या बेचा INR देके या लेके तो कितना पड़ेगा. डायरेक्ट खरीदा तो 48.30, इन दोनों मार्केट से घुमा फिरा के खरीदा बेचा तो कितना. सो देखो, क्रॉस रेट किसका, USD INR का जो क्रॉस रेट है वो कैसे लोगे आप, इसके लिए पहले आपको चाहिए रहेगा USD GBP मल्टीप्लाइड बाय GBP INR. ठीक है, अब आपको ऐसे पढ़ने में तो दिक्कत जाएगी,
मैं सॉल्व करता हूँ फिर आपको वापस से एक बार बताऊँगा। यूएसडी जीबीपी का रेट है 1.6231, बट एक्चुअल में वो यूएसडी जीबीपी नहीं, जीबीपी यूएसडी लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे जीबीपी यूएसडी है, और उसको अगर हमको कन्वर्ट करना है तो वो ऐसा लिखना पड़ेगा। डायरेक्ट को इनडायरेक्ट कन्वर्ट करते तब क्या होता है, तब वो ऐसे बनता है रेट 1/GBP USD मल्टीप्लाइड बाय GBP INR। अब लो आपको दिया हुआ GBP USD है ना, ये GBP USD 1.6231 मल्टीप्लाइड बाय GBP INR, ये रहा एग्जैक्ट वैसे दिया हुआ है, तो उसको तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। 77.52। अब सॉल्व करो 47.76। अब मैं आपको दूसरे तरीके से ऑल्टरनेटिव बता देता हूँ, ठीक है। मान के चलो हमको क्या, हम सीधे तरीके से जाते हैं, INR पर USD चाहिए था, तो क्रॉस रेट हम कैसे निकालते हैं, INR पर GBP ले लूँगा इंटू GBP पर USD ले लूँगा। अब INR पर GBP तो मुझे दिया हुआ है 77.52, लेकिन क्वेश्चन में मेरे को GBP पर USD नहीं, USD पर GBP दिया हुआ है, ठीक है। इसको पढ़ते कैसे हैं, USD पर GBP। तो अब मेरे को करना है, तो मैं इन्वर्स करूँगा, और वो इन्वर्स हो जाएगा 1/ जो भी GBP पर USD पर GBP का रेट होगा 1.6231, तो इससे भी आंसर वही आएगा 47.76, ठीक है। कोई भी एक चीज़ लिखो, ये तो आपके पास अंडरस्टैंडिंग पर्पज़ के लिए, ऊपर वाली चीज़ फाइनल है। सो 47.76 हो गया। अब मैं नेक्स्ट इस पे जाता हूँ, मेरा क्या है USD INR, इसको पढ़ेंगे कैसे, INR पर USD, कितने INR लगते हैं एक USD के लिए। इसका डायरेक्ट रेट जो है ना, वो दिया हुआ है 48.30, और जो हमने क्रॉस रेट निकाला ना, वो है 47.76। अब क्वेश्चन में आपके पास ऑलरेडी 1 करोड़ डॉलर रखा हुआ है, उसको आपको बेचना है, डिसीजन ये है कि बेचना है, तो कौन से रेट पे बेचना पसंद करोगे। सिंपल रैशनल पर्सन क्या करेगा, भैया मेरे को अगर 1 करोड़ डॉलर बेचना है तो मैं ऐसे रेट पे बेचूंगा जिससे मुझे ज़्यादा पैसा मिले, ज़्यादा रेट हो, वो तो आप 48.30 में बेचना पसंद करोगे उससे, क्योंकि 48 करोड़ आएंगे, अदरवाइज तो 47 करोड़ ही आएंगे, है ना। पहली चीज, बिकॉज डायरेक्ट रेट इज नॉट इक्वल टू क्रॉस रेट, आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। ध्यान देना मैं क्या क्या लिख रहा हूँ अभी यहाँ पे, सिंस आर्बिट्रेजर के पास में, हमारे पास में देखो यहाँ पे 1 करोड़ US डॉलर रखे हुए हैं, आर्बिट्रेजर हैज 1 करोड़ US डॉलर, ही वुड वॉन्ट टू सेल द सेम एट हायर रेट। सो कोई भी यार, ये सिंपल सी बात है। अब आपके पास में दो ऑप्शन है, 1 करोड़ को 47.76 में बेच दो या 48.30 में बेच दो। आप 48.30 में बेचना पसंद करोगे, टू गेन आर्बिट्राज प्रॉफिट सेल डॉलर इन मुंबई, मुंबई में डॉलर बेच दो एट 48.30। अब देखो ट्रांजैक्शंस, ट्रांजेक्शन्स अंडर आर्बिट्राज, पहला
पहली स्टेप, सेल डॉलर्स, तो आपके हाथ से 1 करोड़ डॉलर चले जाएंगे और आपके पास 48 करोड़ $30 लाख आ जाएंगे, ठीक है, सॉरी रुपीज आ जाएंगे। अब क्या करोगे, सेकंड स्टेप, रुपीज आए, रुपीज बेचो, सेल रुपी एट। अब रुपीज आप कहाँ बेचोगे सर, आपके पास में सिर्फ एक ही जगह है रुपीज बेचने की, अब वो है लंदन में, 77.52, और दोनों सेम करेंसी होने की वजह से 77.52 भी रुपीज में है, 48 करोड़ 30 लाख भी रुपीज में है, तो डिवाइड होगा, ये हमने पहले ही क्वेश्चन में देखा था, ठीक है। सो 48 करोड़ 30 लाख डिवाइडेड बाय 77.52, तो हमको कितने पाउंड्स मिलेंगे, 62,30,650 पाउंड्स मिले। थर्ड एंड लास्ट स्टेप, सेल पाउंड एट डॉलर, आखिरी स्टेप बाकी है क्या, 1.6231, न्यूयॉर्क में बेच दो पाउंड को 1.6231 के रेट से। सो पाउंड बेच रहे हो डॉलर पे, तो मल्टीप्लाई होगा क्योंकि दोनों करेंसी अपोजिट है। कितने मिले, सॉरी 48 करोड़ 30 लाख, नहीं 62,30,650 × 1.6231, दिस इज 10, अच्छा दिस इज 101,12,968। सो ये आपके पाउंड चले जाएंगे 62,30,650 और आपके पास आएंगे 10,112,968 डॉलर्स। अब ध्यान दो, लॉजिकली अगर आप देखोगे तो ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, बचा क्या, गेन, वन वन टू नाइन सिक्स एट डॉलर्स का खत्म। अब आप ये गेन अगर डॉलर्स में रखना चाहो तो डॉलर्स में, उसको रुपीस में कन्वर्ट करना चाहो तो रुपीस में कन्वर्ट कर लो, जैसी आपकी श्रद्धा। दिस इज हाउ, आप अगर उल्टे तरीके से लेते ना तो आपको नुकसान आता, प्रॉफिट नहीं आता। और एक चीज ध्यान में रखना, आर्बिट्रेजर को हमेशा प्रॉफिट ही होता है, नुकसान नहीं होता। तो अगर आप एग्जाम में ऐसे करके दिखा रहे हो ना, दोनों सिचुएशन से सर हम कर लेते हैं, जैसे आपने किया हम वैसे भी करके दिखा देंगे, प्रॉफिट आया तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कोई कोई लोग होंगे जो नीचे से जाएंगे ऊपर, ठीक है, हमने तो ऊपर से नीचे आया, नीचे से ऊपर जाएंगे तो उनका पहले नुकसान आएगा, फिर वो क्या करेंगे, उसको रहने देंगे और उसके बाद में ना प्रॉफिट वाली सिचुएशन ऊपर से नीचे तक करेंगे। तो पहले लॉस आया फिर प्रॉफिट आया, तो आखिरी में कंक्लूजन डाल देंगे कि ऐसा करो तो प्रॉफिट आएगा। ऐसा बिल्कुल मत करना एग्जाम में, प्रैक्टिकल लाइफ में कभी कोई ऐसा करके देखेगा क्या, नहीं। आर्बिट्रेजर को पहले ही दिन पता होता है कि क्या ट्रांजेक्शन करूंगा तो प्रॉफिट होगा, तो आपको भी पहले ही दिन, आपको भी प्रेजेंट ऐसे ही करना है कि क्या ट्रांजेक्शन करोगे तो प्रॉफिट होगा। लॉस वाला ट्रांजेक्शन करके कोई देखता नहीं है रियल लाइफ में कि अरे यार अब तो नुकसान हो गया, चलो वापस से खेलते हैं, कौन लाएगा इतना सारा पैसा। सो दिखाना है प्रॉपर दिखाओ, टाइम भी बचेगा, कॉन्सेप्ट दिमाग में होना। आपने क्या किया, एक रेट को सेम रखा वैसे का वैसा और वही रेट निकाला क्रॉस रेट के थ्रू, दूसरे जो बाकी रेट्स पड़े थे, और दोनों रेट आ गए अब आपके पास में, क्रॉस रेट का INR USD और आपका डायरेक्ट INR USD, जो भी रेट ज्यादा होगा उस रेट पे बेच दो, जो भी रेट कम होगा उस रेट पे खरीद लो। अब मैंने तो आपको एक रेट कॉन्स्टेंट रख के दिखाया था, ये वाला कौन सा, मैंने तो USD INR कॉन्स्टेंट रख के दिया था। आप एक काम करो, GBP USD को कॉन्स्टेंट रखो और टेस्टिंग करके देखो, आपका आंसर सेम आएगा और प्रॉफिट ही आएगा।
पहले आप जी ये वाले को कांस्टेंट रखना, और ये जो दो रेट है इसके थ्रू यूएसडी जीबीपी निकालना, जीबीपी यूएसडी ये जो है ये निकाल के देखना, और फिर आपको पता चलेगा कि ये वाला रेट कम है तो इस पे बेच दो, सॉरी ज़्यादा है तो बेच दो, सिंपल। सो हाँ, ट्रांजेक्शन दिखाते समय आपको पूरे ट्रांजेक्शन दिखाने पड़ेंगे, क्योंकि एक्चुअल मार्केट में ऐसे ही ट्रांजेक्शन होंगे एक के बाद एक के बाद एक, तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखना। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर। आपकी स्लाइड्स, कितनी स्लाइड्स बनती है यहाँ पे, एक तो ये है, यहाँ लिख लेते हैं ना, एक दो तीन और चार, ये चार स्लाइड्स बनती है आपके इस क्वेश्चन के। सो फाइंड आउट, सॉरी फाइनली राइट डाउन द आंसर्स एंड देन वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट यू कैन फील फ्री टू आस्क मी। बाय बाय।